बिल्कुल बिल्कुल, एक ईमानदारी से ये प्रक्रिया फॉलो की जानी चाहिए। इसका एक बहुत दूरगामी परिणाम पूरे हमारे इस उत्तर प्रदेश के लिए होगा, और अनएम्प्लॉयमेंट भी खत्म होगा और बाहर से रोजगार के भी मुहैया होगा। जी बिल्कुल आनंद दुबे का मैं रुक करूंगा। आनंद जी, ये अभी हम लोग बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइज क्राइम की, इससे पहले भी कि ऑर्गेनाइज क्राइम पे बहुत काम हुआ है और ऑर्गेनाइज क्राइम के नाम पर हजारों करोड़ की संपत्ति कुर्क हुई, आपने भी बताया। लेकिन जो छोटे अपराध हैं जिनका अभी हमने जिक्र किया, पिछले दिनों आपने देखा कि किस तरह से एक जो हवलदार है उसको पीट रहे थे लोग सड़कों पे, या और भी छोटी छोटी कई घटनाएं हैं, तो उन घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए आपके पास क्या योजना है? और चलिए, अतीक पे कार्रवाई हो गई, मुख्तार पे कार्रवाई हो गई और बाकी इस तरह के तमाम अपराधियों पे कार्रवाई हो गई, लेकिन ये जो सामाजिक, एक तरह से कहा जाए छोटे जो जो क्राइम है, जो परसेप्शन क्रिएट करते हैं, उन पे कैसे रोक लगाने की कोई योजना है आपके पास? श्रेय जी, जब डिबेट में मैं बैठा था, मैंने शुरू में ही आपसे कहा था कि हम ये बिल्कुल दावा नहीं करते कि हमने उत्तर प्रदेश में क्राइम को शून्य कर दिया है जी या उत्तर प्रदेश में कहीं क्राइम हो ही नहीं रहा है, ऐसा हमने बिल्कुल नहीं कहा था। मैं कह रहा हूं छोटी मोटी घटनाएं, छिटपुट घटनाएं हो रही हैं, और बड़ी बात यह नहीं कि हो रही हैं, बड़ी बात यह है कि जब हो रही है तो उनके खिलाफ जो एक्शन हो रहा है वो देखने की बात है। जी अब आप देखिए कि गाजियाबाद में एक व्यक्ति अपने कॉलोनी की महिला के साथ बदसलूकी करता है, गाली गलौज करता है, उसके खिलाफ एक्शन देखिए, तुरंत उसके खिलाफ इनाम जारी होता है, उसको इनामी घोषित करके उसकी गिरफ्तारी की जाती है, उसके साथ जो लोग उसके साथी संगी थे उनको गिरफ्तार किया जाता है, उसके जो अवैध निर्माण है उस पर बुलडोजर चलता है। एक ये है कि जिसने महिला के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की, जिसने महिला के खिलाफ गाली गलौज किया, उसको हमने तुरंत जो है कार्रवाई करते हुए जेल भेजने का काम किया। एक योगी आदित्यनाथ जी का ये मॉडल है। एक मॉडल इससे पहले चलता था उत्तर प्रदेश में, जहां पूर्व मुख्यमंत्री जी, अब मैं बड़ी विनम्रता के साथ उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कह रहा हूं, माननीय मुलायम सिंह जी मंच से कहते थे, लड़के हैं गलती हो जाती है। एक वो मॉडल था जहां लड़के हैं गलती हो जाती है कहकर उनको माफ कर दो, चाहे वो भले बलात्कार कर दें, और एक ये मॉडल है जहां आप महिला के खिलाफ अभद्रता करते हैं तो आपको जेल भेजा जाता है। इसके अलावा मैं आता हूं, अभी हमारे सपा के प्रवक्ता, हमारे मित्र ने कहा कि हमें टी नहीं आता, हमें टैबलेट का टी नहीं आता, हमें एम नहीं आता, हमें सी नहीं आता। अरे हम बिल्कुल मान रहे हैं कि हमें टी एम सी नहीं आता, हमें तुष्टिकरण नहीं आता, हमें टेररिस्टों के खिलाफ हमदर्दी नहीं आती, हमें मुस्लिम और हिंदू देखकर कार्रवाई करने करना नहीं आता, और ना हमें सी से जो है वो क्रिमिनल के प्रति हमदर्दी होती है। हम तो, और लेकिन आपकी सरकार थी, आप क्या करते थे, आपको टी समझ में आता था कि टी माने टेररिस्ट, तो इसके मुकदमे वापस ले लो, इसको इसके लिए जो है हाईकोर्ट तक चले जाओ, हाईकोर्ट से डांट सुनो कि आप तो उत्तर प्रदेश को जो है आतंक का अड्डा बनाना चाहते हैं। हाईकोर्ट ने किस तरह की टिप्पणी की, और छोड़िए टेररिस्ट से इतनी हमदर्दी हो गई कि हीट स्ट्रोक से एक आतंकी मर गया था, खालिद मुजाहिद, उसकी मृत्यु पर आपने अपने ही डीजीपी के खिलाफ और 40 एसटीएफ के कमांडो के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया। यह आपका टी के प्रति लगाव था, एम के प्रति लगाव और वाई के प्रति लगाव तो बताने की जरूरत ही नहीं है, तो पूरे प्रदेश ने देखा किस तरह से दंगा करने वालों को हेलीकॉप्टर से आप मुख्यमंत्री जी के आवास में ले आए, उनका स्वागत किया आपने, और क्रिमिनल की तो पूछना ही नहीं है, सारे अपराधी जो है आप ही के समय में पनपे पैदा हुए, जिनका आज आप नाम लेते हैं, कई बार ये नाम लेते हैं, धनंजय सिंह, मुझे जरा बताएं धनंजय सिंह इनके टिकट पे कितनी बार विधायक और सांसद चुने गए, कुलदीप सिंह सेंगर को किसने टिकट दिया, किसने उनको विधायक बनाया और किसने उनको जेल भेजने का काम किया, ये नाम लेना एक एक माफिया का, मैं बताता हूं कि उसकी ओरिजिन कहां है। हर एक सड़क छाप गुंडे को एक बड़ा माफिया बनाने का काम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया, और इतना ही नहीं, राजनीतिक अपराध, सामाजिक अपराध, आर्थिक अपराध, हर तरह के अपराध में समाजवादी पार्टी के लोग लिप्त रहे। जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो ये क्या करते हैं, ये लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अनिल यादव को बना देते हैं, उच्च शिक्षा आयोग का अध्यक्ष रामवीर यादव को बनाते हैं, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष राजकिशोर यादव को बनाते हैं, और माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग का अध्यक्ष जो है रामपाल यादव को बनाते हैं। इस तरह से ये शिक्षाओं में, शिक्षा में, नौकरियों में भ्रष्टाचार करते हैं।
जी लारी साहब के पास मैं जाऊंगा। लारी साहब कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था। आनंद दुबे जी कह रहे हैं, सुन लीजिए सुन लीजिए, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, मैं जवाब ले लेता हूं, मैं जवाब ले लेता हूं। श्रेय जी 30 सेकंड जी। कांग्रेस के प्रवक्ता अभी कह रहे थे ये तो 23 का डेटा ही नहीं, इन्हें पता ही नहीं है कि डेटा जो है एक साल बाद आता है, तो ये पढ़ लिख के होमवर्क करके बैठे। पहली चीज इनको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 2021 में रेप की घटनाएं 2845 हुई हैं, और जहां राजस्थान में इनकी सरकार है वहां 6337 हुई है। जाके एनसीआरबी का डेटा पढ़िए कि महिला अपराध में पूरे देश में राजस्थान नंबर वन है, और राजस्थान की आबादी कितनी है आप बताइए, उत्तर प्रदेश के आधे से भी कम, उसके बावजूद वहां पर 6500 के आसपास रेप की घटनाएं हो रही है। वहां की चिंता करिए महाराज, कभी राजस्थान के बेरोजगारी पर बात कर लीजिए जो उत्तर जो पूरे देश में नंबर वन पे है, वहां के क्राइम की बात कर लीजिए जो पूरे देश में नंबर वन पे है। जी लारी साहब मैं आपका रुख करूंगा। लारी साहब ये बताइए कि आनंद दुबे कह रहे हैं कि जो हाथरस का, लारी साहब आपको मेरी आवाज सुन रही है, करने वाले जेल के पीछे है, तारिक अहमद लारी साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं, पीछे है। मेरा सवाल है कि आनंद दुबे कह रहे हैं कि ये जितने भी अपराधी थे ये पिछली सरकार में थे, और आप लोग टेररिस्ट के लिए हमदर्दी जताते थे, और जितने माफिया थे ये आप ही के टाइम पे जो है फले फूले हैं। मेरा जवाब बहुत गौर से सुनिएगा, थोड़ा टाइम दीजिएगा मुझको। आतंकवादी प्रज्ञा ठाकुर इस समय किसके सांसद है, कहां पे बैठी हुई है, प्रधानमंत्री के साथ इस देश की सर्वोच्च सदन में बैठी हुई है जिसका नाम है लोकसभा। बाइज्जत बनी है, बाइज्जत बनी है, गलत मत बोलिए। अरे महाराज पहले जाके अपना स्टडी करके आइए, वो बरी नहीं है, वो बेल पे बाहर है, बेल भी उन्होंने ली थी कि मुझे कैंसर है, कैंसर बीमारी क्या बात कर रहे हैं, आंकड़ा उठा लीजिए, अभी फैसला करिए, जवाब बाद में दीजिएगा। आतंकवादियों के नाम पे साथ ना दीजिए, आतंकवाद के नाम पे साथ ना दीजिए, ये इसको हिंदुओं बताना चाहता हूँ की हिंदुओं के खिलाफ कुछ करने में समाजवादी पार्टी नंबर वन है, देश में भगवा आतंकवाद की थ्योरी देना, हिंदुओं को आतंकवादी घोषित करना, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का चरित्र है। आप लोगों ने भगवा आतंकवाद की थ्योरी दी, अरे आप तो बोलेंगे जो एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगते हैं, क्योंकि आतंकवाद की बात करते हैं, शर्मानी चाहिए आप लोगों को, आतंकवादी को आप एक साधु सन्यासी को आप लोग आतंकवादी बता रहे हैं, बोलना बंद करिए, जिसने देश और समाज की सेवा के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया उसको आतंकवादी बताने की बात करते हैं आप। गूगल सर्च करे जनता, अभी आपको पता चल जाएगा कि गूगल सर्च करिए कि आदमी बैठे हुए झूठ बोल रहा है। आनंद दुबे जी अभी शांति प्रज्ञा पर बहस नहीं हो रही है। आनंद दुबे जी मैं आपको रोकूंगा, लारी साहब को बोलने दीजिए। आनंद दुबे जी लारी साहब को बोलने दीजिए, चुप हो जाओ, लारी साहब को बोलने दीजिए, आनंद दुबे जी लारी साहब आप बोलिए, आतंकवाद का चेहरा और इसका नेता मोदी आतंकवादी, उसका चेहरा कितना भयानक का देखिए आप। अरे आतंकवाद तो पूरे समाजवादी पार्टी का चरित्र है, आतंकवादियों के मुकदमे वापस, और आप लोग तो आतंकवाद के पालक और पोषक हैं। इन्होंने कहा कि हमने आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए, बिल्कुल सरासर झूठ बेबुनियाद, क्योंकि हम लोगों ने उन लोगों के मुकदमे वापस लेने की बात की थी जिनको बाकायदा फर्जी फंसाया गया था, और बाद में ये कह रहे कोर्ट से हमको डांट पड़ी, तो उसी कोर्ट ने उन लोगों को जिनका नाम हम लोग वापस ले थे उन लोगों को बाइज्जत बरी किया। दूसरी बात, अब तीसरी बात पे आइए, आप कह रहे हैं कि हम अपराधी पैदा करते हैं, ब्रिजभूषण शरण सिंह हमारे वहां अपराधी था, हमने निकाला, आप क्यों निबंध कर रहे हैं। हम मानते हैं ब्रिजभूषण सिंह अपराधी है, क्रिमिनल है, माफिया है, और बराबर दाऊद इब्राहिम का टक्कर का माफिया है, आप मानिए इस बात को, मानिए। हम कहते हैं गोडसे आतंकवादी था, आप कहिए गोडसे आतंकवादी था, मानिए इस बात को, मानिए इस बात को। हम कहते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश के गद्दार जिना के साथ मिलकर उसने बांग्लादेश में सरकार बनाई थी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना था, आप भी मानिए, और उन्होंने प्रपोजल रखा था देश के बंटवारे का धर्म के आधार पे, मानिए इस बात को आप भी, हम भी मानते हैं। हम सीना ठोक के कह रहे हैं कि हाँ ब्रिजभूषण शरण सिंह हमारे वहां थोड़ा पढ़ लिख के बैठो भाई, पढ़ लिख के बैठो, आप भी मानिए। हम कह रहे हैं राजा भैया माफिया है, आप भी कहिए राजा भैया माफिया है। हम कह रहे हैं हाँ तारिक अहमद लारी डंके की चोट पे कह रहा है धनंजय सिंह माफिया है, अरे तो राजा भैया को मंत्री क्यों बनाया था भाई, राजा भैया को मंत्री क्यों बनाया था।
हम कहते हैं, अरे आप बोलिए मुख्तार अंसारी के खिलाफ, सिंह माफिया है, आप ही कहिए ब्रिजेश सिंह माफिया है, हम कहते हैं जो इलाहाबाद वाले तीनों भाई माफिया है जिनकी बीवी आपके मामले में है, आप ही कहिए वो माफियाओं की माफिया की बीवी है, मानिए उस बात को कि माफिया की बीवी है वो, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, कहिए हम ढंग की चोट पर कहते हैं कि हमारे वहां था, आप भी कहिए अब वो आपके वहां है, अब वो सत्ता नशीन है, उसकी बीवी आपके वहां से विधायक है, हम कहते हैं सेंगर हमारे वहां था, आप कहिए कि सेंगर आपका आदमी है, हम कहते हैं बिल्कुल कहते हैं ढंग की चोट पे, आप भी तो एक्सेप्ट करिए, एक्सेप्ट करिए कि आज की डेट में सारे माफिया आपके साथ हैं, आपके समर्थन में हैं, आपके लिए खड़े हैं, अतीक ने भी अर्जी लगा दी है, अतीक ने भी अर्जी लगा दी है आपके लिए, आप यही तो चाहते हैं, अतीक ने भी अर्जी लगा दी है आपके वहां कि बहुत बढ़िया आदमी है जिनका नाम है योगी आदित्यनाथ, अर्जी आ गई है, अर्जी एक्सेप्ट कर लेंगे और 10 दिन बाद देखिएगा वो बेल पे बाहर होगा। आपने हमारे स्वर्गीय नेता के लिए कहा, तो मैं आपके स्वर्गीय नेता के बारे में एक टिप्पणी ये भी करता हूं कि महिलाओं का पेट देखकर जो स्वर्गवासी होकर बहुत बड़े नेता थे, वो महिलाओं का पेट देखकर कहते थे आपके उदय में उभार दिख रहा है कि आप गर्भवती हैं, ये आपके नेता बहुत बड़े नेता थे, मर गए बेचारे, बहुत रिस्पेक्टेड है, मेरे मुझसे पर्सनल ताल्लुकात थे, मैं उनके साथ बैठ के खाना खाता था, मैं कह रहा हूं कि आपके उदय में उभार दिख रहा है कि आप गर्भवती है, क्या महिला के साथ ये बात करने का तरीका है, क्या बात कहेंगे आप? चलिए मैंने एक्सेप्ट किया ब्रिजभूषण शरण सिंह हमारे वहां का क्रिमिनल है, अब तो आपके वहां है, आप कहिए हाँ क्रिमिनल है, माफिया है, हमारे वहां है और दाऊद इब्राहिम के टक्कर का है, एक्सेप्ट करिए जी, ठोक के तारीख अहमद लारी एक्सेप्ट कर रहा है। विकास श्रीवास्तव जी, विकास श्रीवास्तव जी, हिम्मत है तो ये बताइए कि हिम्मत है तो करिए। सुनिए 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 जी, सुनिए, मुझे इनका जवाब देने दीजिए, मुझे इनका जवाब देने दीजिए, इन्होंने फर्जी आंकड़ा गिनाया, मुझे जवाब देने दीजिए। श्रेय जी आप भी एक्सेप्ट करिए। श्रेय जी हाँ बोलिए बोलिए। श्रेय जी हाँ बोलिए। आनंद जी क्या बोल रहे हैं? श्रेय जी, इन्होंने कहा कि हम निर्दोषों को बचाने के लिए कोर्ट गए थे, अब मैं इनको सही डेटा बता देता हूँ, 2007 में रामपुर सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर हमला हुआ था, 7 जवान शहीद हुए थे और उन आतंकवादियों को छोड़ने के लिए ये कोर्ट गए थे, बाद में अदालत ने इन 4 आतंकवादियों को फांसी और 1 उम्र कैद की सजा सुनाई थी, ये इनकी सच्चाई है, ये झूठ बोलते हैं टेलीविजन पे बैठ के, इनको सिर्फ और सिर्फ अगर कोई आतंकवादी है और अगर वो मुसलमान है तो इनको उससे प्रेम रहता है, क्योंकि ये मुस्लिम तुष्टीकरण करके हमेशा वोट लेते रहे हैं, इसीलिए उत्तर प्रदेश में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर ये राजनीति करते रहे, जाति और धर्म के नाम पर अपराधियों को छोड़ते रहे, इसी वजह से चलिए मैं विकास श्रीवास्तव का रुख करूंगा। विकास जी ये बताइए कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर